इस समय आप ये तस्वीरें करनाल के कैथल रोड की दिख रहे हैं, जहां पर हम आपको बता रहे हैं कि कैथल रोड पर वीपी इंटरनेशनल स्कूल के साथ एक खाली पड़े मैदान में, या यूं कहे खाली पड़े प्लॉट में, आप देख सकते हैं कि काफी कबाड़ यहां पर इकट्ठा हुआ था। अचानक इतनी भीषण आग लग चुकी है कि काफी दूर दूर से आप देख सकते हैं कि धुएं का गुबार जो है कई कई किलोमीटर दूर से जो है देखा जा सकता है। ये तस्वीरें इस समय करनाल के कैथल रोड पर आप देख सकते हैं, जहां पर हम आपको बता दें कि किसी शख्स का यहाँ पर एक खाली पड़ा प्लॉट था, जहां पर काफी कबाड़ को इकट्ठा किया गया था। लेकिन सवाल अपने में बड़ा गंभीर है कि क्या इस कबाड़ में किसी ने आग लगाई है या ये आग अपने आप लगी है। ये आप देख सकते हैं कि काफी दूर से, हम आपको बताएं कि हम करनाल के माल रोड से जब ठंडी सड़क से आ रहे थे तो करीबन 5 किलोमीटर दूर से भी ये धुएं का गुबार जो है आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं जहां भी अगर आप मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि कितना पॉल्यूशन फैलता हुआ नजर आ रहा है और काफी भीषण आग यहां पर लगी हुई है। हालांकि फायर ब्रिगेड को सूचना दे दी गई है, लेकिन काफी देर हो चुकी है, फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची है। ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि आग लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और धुएं का गुबार आप देख सकते हैं करनाल कैथल रोड पर वीपी इंटरनेशनल स्कूल के बिल्कुल नजदीक आगे पेट्रोल पंप पड़ता है, जहां पर यह भीषण आग लगी है और जहां पर यह आग लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और धुएं का गुबार कई कई किलोमीटर दूर से जो है देखा जा सकता है। ये तस्वीरें इस समय करनाल के कैथल रोड से आप देख सकते हैं, जहां पर काफी भीषण आग एक खाली पड़े प्लॉट में, जहां कबाड़ ही कबाड़ था। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि खाली पड़े प्लॉट में लगातार आग बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिससे आसपास की बिल्डिंगों को भी काफी नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ वीपी इंटरनेशनल स्कूल है, जबकि एक तरफ इधर एक और व्यवसायिक गोदाम है। लेकिन आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि जो धुएं का गुबार है वो कई कई किलोमीटर दूर से जो है देखा जा सकता है, क्योंकि आग काफी ही भीषण है। आसपास के लोग पानी की पाइपलाइन से इस लगी आग को बुझाने का काम कर रहे हैं, लेकिन आग इतनी भीषण है जो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। करनाल के कैथल रोड पर यह आग लगी है। ये तस्वीरें इस समय करनाल के कैथल रोड से देख रहे हैं, जहां पर खाली पड़े एक प्लॉट में आग लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। आसपास के लोग हालांकि पानी से आग को बुझाने का काम कर रहे हैं, लेकिन आग लगातार और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। करनाल वीपी इंटरनेशनल स्कूल के बिल्कुल बैक साइड पे खाली पड़े प्लॉट में ये आग लगी है। ये आग किसके द्वारा लगाई गई है, ये बात भी अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिरकार इस खाली पड़े प्लॉट में इतना कबाड़ किसने यहाँ पर इकट्ठा किया हुआ था, जिस कारण ये आग लगी है। और आप देख सकते हैं कि पिछली तरफ स्कूल है, साइड में जो दो इमारतें हैं उनको भी नुकसान पहुंच सकता है, उनकी बिल्डिंग भी जो है काफी इस लगी भयंकर आग के कारण लेंटर तक गिरने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि हमने पहले भी कई बार देखा है जब आग लगती है तो आसपास की बिल्डिंग्स को भी जो है काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। हालांकि फायर ब्रिगेड को जानकारी दे दी गई है, फायर ब्रिगेड अभी तक नहीं पहुंची है, लेकिन आग लगातार थमने का नाम नहीं ले रही है। पानी काफी बार गिरा गया और धुएं का गुबार हम आपको बता दें कि कई कई किलोमीटर दूर से जो है देखा जा सकता है। माल रोड से जब आ रहे थे तो वहां से भी दिखाई दे रहा था, करीबन 4 किलोमीटर दूर किस तरह से पूरे आसमान में ये धुएं का गुबार फैलता हुआ नजर आ रहा है करनाल कैथल रोड पर। ये तस्वीरें से आप देख सकते हैं कि आसपास के जो लोग हैं वो यहां पर सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे हैं। करनाल के कैथल रोड पर वीपी इंटरनेशनल स्कूल के नजदीक जो है यहाँ पर ये आग लगी है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि आखिरकार ये आग किस द्वारा लगाई गई और यहाँ पर खाली पड़े प्लॉट में इतना कबाड़ किसने इकट्ठा किया हुआ था जो आग लगातार फैलती हुई नजर आ रही है। हालांकि फायर ब्रिगेड को जानकारी दे दी गई है, लेकिन अभी तक फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची है। कहीं कहीं किलोमीटर दूर से इस धुएं के गुबार को देखा जा सकता है। वीपी इंटरनेशनल स्कूल है करनाल कैथल रोड पर, जहां पर उसके पीछे ये प्लॉट है जहां पर ये काफी भीषण आग लगी है।
ये समय तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के कैथल रोड पर, जहां पर हम आपको बता दें कि वीपी इंटरनेशनल स्कूल के पीछे एक गोदाम है जहां पर काफी ज्यादा भीषण आग लग गई थी और जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी अभी तक मौके पर नहीं पहुंची है। खाली पड़ा प्लॉट है जहां पर काफी ज्यादा भीषण आग लगी है। कबाड़ यहां पर काफी समय से इकट्ठा हुआ था, इस में किसी शख्स द्वारा आग लगाकर कोई शरारत की गई है या बहरहाल आग कैसे लगी है ये अपने आप में एक जांच का विषय जरूर है। लेकिन आप देख सकते हैं कि आग से कितना ज्यादा पोल्यूशन होता हुआ नजर आ रहा है। फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची है, हालांकि पुलिस की गाड़ी जो है मौके पर पहुंच चुकी है। ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं कि वीपी इंटरनेशनल स्कूल के बिल्कुल बैक साइड पे यह एक गोदाम है जहां पर ये आप देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि तारों के बड़े बड़े बंडल्स यहां पर पड़े थे खाली प्लॉट में, जिसमें आग लगातार फैलती हुई नजर आ रही है करनाल कैथल रोड पर, जहां एक तरफ वीपी इंटरनेशनल स्कूल है वहीं दूसरी तरफ दो और औद्योगिक संस्थान है जिनकी दीवारों तक में आग काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा चुकी है। ये खाली पड़ा प्लॉट है जहां पर हम आपको बताएं कि मरम्मत का काम चल रहा था, यहां पर बिल्डिंग बनाने का काम चल रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये प्लॉट का मालिक कहां पर है और ये आग किस द्वारा लगाई गई है, जो अपने आप में बड़ा सवाल है। ये तारों के बंडल यहां पर कैसे पहुंचे थे और आग लगातार बढ़ती नजर आ रही है। पुलिस को हालांकि जानकारी दे दी गई है, पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है, फायर ब्रिगेड को जो है मौके पर बुलाया गया है। आग लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और अगर आप करनाल शहर से भी देखेंगे छत पर से खड़े होकर, तो आपको 5 किलोमीटर दूर से भी यह धुएं का जो बड़ा गुबार है यह आपको देखा जा सकेगा। जब हम आपको बताएं कि करनाल के माल रोड से हम आ रहे थे तो दूर से ही दिख रहा था कि 4 से 5 किलोमीटर दूर काफी भीषण आग लगी हुई है और जब करनाल के कैथल रोड पर हम पहुंचे हैं वीपी इंटरनेशनल स्कूल के बैक साइड पर खाली पड़े एक प्लॉट में जो तारों के बंडल ही बंडल यहां पर पड़े हुए हैं उसमें काफी भीषण यह आग लगी है। काफी बड़ा कबाड़ यहां पर पड़ा हुआ है। आग आप देख सकते हैं कि लगातार आग फैलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर नहीं पहुंचेंगी तब तक इस लगी आग पर काबू पा पाना आसान नहीं होगा। ये तस्वीरें करनाल कैथल रोड की आप देख सकते हैं जहां पर लगातार जो वीपी इंटरनेशनल स्कूल के बैक साइड पर एक खाली पड़ा प्लॉट था उसमें आग लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। तारों के बंडल ही बंडल यहां पर पड़े थे। सवाल बड़ा गंभीर है कि आखिरकार ये तारों के बंडल यहां पर किस शख्स द्वारा यहां पर घेरे गए हैं और किस द्वारा इस आग को लगाया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि करनाल कैथल रोड पर वीपी इंटरनेशनल स्कूल के बैक साइड पर खाली पड़े एक बड़े प्लॉट में आग लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और अगर आप छत से देखेंगे तो काफी किलोमीटर दूर दूर से भी है धुएं का गुबार, कहीं कहीं किलोमीटर ऊपर तक से देखा जा सकता है। लगातार आग फैलती जा रही है, फायर ब्रिगेड को जानकारी दी गई है लेकिन फायर ब्रिगेड अभी तक मौके पर नहीं पहुंची है। ये आप देख सकते हैं कि पुलिस की गाड़ी हालांकि मौके पर पहुंच गई है। हम आपको बता दें कि जानकारी ये मिली थी कि करनाल कैथल रोड पर जो है काफी भीषण आग लगी है और आप ठीक मेरे पीछे इस समय जहां प्लॉट में हम खड़े हैं वहां पर देख सकते हैं कि खाली पड़े प्लॉट में लगातार जो है काफी ज्यादा आग यहां पर फैलती हुई नजर आ रही है। हालांकि आग लगे होने के पीछे क्या कुछ कारण है इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप देख सकते हैं कि खाली पड़े प्लॉट में तारों के इतने बड़े बड़े बंडल कहां से आए। इस प्लॉट में कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हुआ उससे पहले यहां पर आग लग गई है, कहीं ना कहीं कोई शरारत भी हो सकती है। ये आग किस द्वारा लगाई गई है ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। अगर किसी प्लॉट में कोई इस तरह से बड़े संख्या में कबाड़ इकट्ठा होता है, सालों से कबाड़ इस तरह से यहां पर होता है, तो उसको जलाया भी नहीं जा सकता है। सवाल बड़ा गंभीर है कि खाली पड़े प्लॉट में तारों के बड़े बड़े बंडल आखिरकार किस द्वारा यहां पर घेरे गए थे ये भी सवाल है। लेकिन आप देख सकते हैं आग लगातार फैलती हुई नजर आ रही है और धुएं का गुबारा आप देख सकते हैं कि कई कई किलोमीटर दूर से जो है देखा जा सकता है, आसमान में दूर से जो है ये धुएं का गुबार देखा जा सकता है। हम करनाल के अंबेडकर चौक से माल रोड की तरफ जब यहां से आ रहे थे तो हमने करीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर से ही देखा कि किस तरह से आग काफी भीषण लगी हुई है और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है क्योंकि काफी देर हो चुकी है। हम करनाल से यहां पर पहुंच चुके हैं लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अभी तक मौके पर नहीं पहुंच पाई है और आग लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। आसपास की बिल्डिंगों को भी आग नुकसान पहुंचा सकती है। इसके पीछे ठीक वीपी इंटरनेशनल स्कूल है वहां पर भी जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से आग की लपटें दूर दूर तक जाती हुई नजर आ रही है। करनाल के कैथल रोड पर यह स्थित एक खाली पड़ा गोदाम है जहां पर यह काफी ज्यादा भीषण आग की लपटें इस समय आप देख सकते हैं कि दूर दूर से यह धुएं का जो गुबार है उसको आप देख सकते हैं और आग लगातार
बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी अभी तक मौके पर नहीं पहुंच पाई है। हालांकि पुलिस की टीम यहां पर मौके पर पहुंची है, उनसे हम जानना चाहेंगे, सब इंस्पेक्टर साहब हैं यहां पर, एसआई साहब हैं, सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या जानकारी मिली थी कंट्रोल रूम से आपको, कहां आप पहुंचे हैं? कंट्रोल रूम से वीटी आई थी भी यहाँ पुलिस लाइन की शामी, काफ़ी धुम्मा है, वहाँ आग लगी हुई है, आप मौके पहुँचो जी। जो हम मौके पर आए तो खाली प्लाट में बंडल हैं तारा के, उनमें काफ़ी तेज़ आग लगी हुई है और काफ़ी धुम्मा, जो जिससे काफ़ी सांस लेने में भी दिक्कत आती है। तो पता चला किसने आग लगाई है, ये क्या शरारत ना है? अभी तो कुछ नहीं पता लगा, ये तो जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी उसी बाद पता लगेगा। खाली प्लॉट किसका है यहाँ पर कुछ पता चला? नहीं, इस बारे में मेरा तो मालिक ही बताएगा, या कोई आएगा या दूसरा बंदा कोई आएगा वो ही बताएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंच चुकी है ताकि इस लगी आग को बुझाया जा सके। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि आग लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, धुएं का गुबार लगातार फैलता हुआ नजर आ रहा है। करनाल कैथल रोड पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है जहां पर इस लगी आग पर काबू पाया जा सके। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि धुएं का गुबार कितने दूर दूर तक देखा जा सकता है। यहाँ पर जो आग लगी थी उसको बुझाने फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर पहुंची हैं। ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि हालांकि आग पर काफी हद तक कंट्रोल पा लिया गया है, करनाल कैथल रोड पर एक खाली पड़े प्लॉट में ये आग लगी थी जिसमें आप देख सकते हैं कि हालांकि पानी से आग को बुझा लिया गया है लेकिन आग फिर दोबारा से जलती हुई नजर आ रही है। करनाल कैथल रोड पर यह अचानक आग लगी है जिसके बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि दमकल विभाग की जो टीम है तो ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी। पुलिस के कर्मचारी अधिकारी यहां पर हैं, उनसे भी हम दोबारा से एक बार बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दमकल विभाग को जानकारी पुलिस द्वारा दे दी गई और दमकल विभाग की जो टीम है वो मौके पर पहुंची है। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या जानकारी लगी थी, कहां आग लगी है? ये वीटी आई थी कंट्रोल रूम से भी क्या अगर पुलिस लाइन की शामी, काफ़ी धुम्मा उठा हुआ है, आग लगी हुई है, आप जल्दी मौके पहुँचो। जो हम यहाँ मौके पर आए देखा खाली प्लाट के अंदर तारों के अंदर आग लगी हुई है जिससे मतलब इतना प्रदूषण है जो सांस लेने में भी दिक्कत है। तो काफी दूर से धुआं के गुब्बारे देखे जा रहे हैं। हाँ, काफी दूर से। तो आग किस चीज में लगी है जी? ये तारा के बंडल दिख रहे हैं। तो किसका प्लॉट है कुछ पता चला? नहीं अभी नहीं लगा, ये तो पूछताछ करेंगे इनसे। तो किसी की शरारत भी हो सकती है? हाँ, हो सकती है, ये तो पता करना पड़ेगा इनसे, अपना लेबर से, किसके किसका प्लॉट है, कौन मालिक इसका।
तो ये इसमें तस्वीरें आप देख रहे थे करनाल कैथल रोड पर, जहां पर हम आपको बता दें कि काफी दूर से धुएं का गुबार और आग की लपटें देखी जा सकती थी। तारों के काफी बंडल जो है इस खाली पड़े प्लॉट में पड़े थे। आखिरकार इसको किसने आग लगाई है ये अपने आप में बड़ा जांच का विषय है और निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूर बनती है। आखिरकार ये तारों के जो बड़े बड़े बंडल हैं इस खाली पड़े प्लॉट में कहां से आए, ये भी सवाल बड़ा गंभीर है। हालांकि पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है, दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और यहां पर जो आग लगातार फैलती हुई नजर आ रही थी उसको जो है बुझा लिया गया है। बुझाने का प्रयास अभी भी जारी है, आग को बुझाया गया फिर दोबारा से आग लगी है क्योंकि तारों के बंडल है और रबड़ है जिस कारण जो है आग आसानी से बुझती हुई नजर नहीं आ रही है। कमल मिट्टा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।